Hello to all new moms to be. Welcome to my channel. First of all, many congratulations. Of course, yehi wo week hai jiska aap sabko intezar raha hoga. Aur ab tak HCG test yani home pregnancy test kit ke through aapko positive result bhi mil gaya hoga. Agar aapne abhi tak test nahi kiya hai, to jaldi se home pregnancy kit mangwaiye aur jaldi se comment section mein likhkar good news dijiye. Mujhe result ka intezar rahega. मैं एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट रिज़ल्ट हल्का पिंक लाइन भी अगर उसमें आती है तब भी आप मोस्ट लाइकली आप प्रेग्नेंट हैं. तो फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ की थी वो थी मिरर के सामने टमी अपना देखना. तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा, आपने भी ऐसा कुछ ज़रूर किया होगा. तो अभी टाइम है इसके लिए. तो चलिए आइए 5 वीक प्रेगनेंसी बॉडी चेंजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. तो इस हफ्ते आपको उल्टी आना, थकावट महसूस करना, कमर में दर्द होना और बार बार टॉयलेट जाना जैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. आपको ये सिम्टम्स लगभग 3 महीने तक आप इन सिम्टम्स को फेस करोगे. इसके अलावा जैसे खाना खाने का मन नहीं करना, एकदम से मूड चेंज हो जाना, ये भी सब कॉमन है प्रेगनेंसी में. तो मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक फॉलिक एसिड लेना नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ आप दिन की एक गोली फॉलिक एसिड की ज़रूर शुरुआत के 3 महीनों के लिए लें. और ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है और आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छी है. इसके अलावा जैसे आपका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, मतलब ऑफ़ कोर्स वॉमिट आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं करेगा, बट प्लीज़ आप खाना ज़रूर खाइए. भले ही आप उसके बाद वॉमिट कर दीजिए, कुछ भी है, बट अपने बेबी के बारे में सोच के प्लीज़ आप खाना ज़रूर खाइए. और प्लीज़ 2 टाइम दूध भी पीजिएगा. तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक रोज़ नारियल पानी और 5 भीगे हुए बादाम मैं रोज़ सुबह खाती थी. तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ आप भी ज़रूर नारियल पानी और बादाम ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करिएगा. तो चलिए अब हम बात करते हैं बेबी की ग्रोथ की. तो अभी आपका बेबी देखने में बिल्कुल भी ह्यूमन जैसा नहीं लगता. उसका साइज़ अभी बहुत छोटा है, लगभग 1 तिल के जितना. अगर हम अभी उसके साइज़ की बात करें तो उसका साइज़ है लगभग 0.5 सेंटीमीटर एंड वेट उसका है वो है लगभग 0.7 ग्राम्स. तो आप भले ही अभी प्रेग्नेंट ना लगते हो बट आपका बेबी का जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट हो चुका है. अगर आप अगले हफ्ते अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो बेशक आपको बेबी की हार्ट बीट सुन पाएंगे. तो इसके अलावा जो आपकी अभी बेबी की ग्रोथ है वो विद ईच पासिंग डे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है. अभी आपके जो बेबी का किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स और जो भी बाकी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत जल्दी डेवलप स्टार्ट हो चुके हैं. इसके अलावा जो अपर एंड लोअर लिम बर्ड्स हैं वो भी बनने शुरू हो चुके हैं, जो कि बाद में जाके आर्म्स और लेग्स बनेंगे. इसके अलावा बेबी के फेशियल फीचर्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं. ये सब कितना सरप्राइजिंग है ना गाइस, कि इतना छोटा होने के बावजूद, सिर्फ 1 तिल के साइज़ के जितना छोटा होने के बावजूद भी बॉडी के ऑर्गन्स, ज़्यादातर ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो भी चुके हैं. तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे बेबी की आई शेप है या हेयर कलर है या उसकी हाइट है या जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रेगनेंसी के पहले महीने ही प्री डिटरमाइन हो जाती हैं. तो दोस्तों, इस हफ्ते की जो सारी डेवलपमेंट है, माइलस्टोन्स हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपको दे चुकी हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू. और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको प्रेगनेंसी या बेबी केयर रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं. तो मैं आपकी मेल का वेट करूँगी. थैंक यू.